सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड करता है मेरे को, हमेशा से मेरे को पसंद है, जैसे मैंने हाले दिल जब बनाया था, मेरा फर्स्ट सॉन्ग था एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर, एंड सिंगिंग तो उससे पहले मैंने की थी 30 मार्का मूवी में, और बट जब हाले दिल मेरा कॉम्पोजिशन आया था एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर एंड सिंगर, तो फिर मैं टाइप भी नहीं हुआ कि मेरे को हाले दिल ही जैसे गाने बनाने हैं, तो मैंने बहुत सारी वैरायटी के ऑफ सॉन्ग्स बनाए, जैसे मैंने हेट स्टोरी की थी वो फुल मूवी की थी, तो सुपर नानी मैंने की थी फुल मूवी, सो कई सारे प्रोजेक्ट्स मैंने एज अ सोलो कंपोज़र किए, और वर्सेटैलिटी होना एक कंपोज़र के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। इस प्रोजेक्ट में भी वही चीज़ थी, जब हमने स्क्रिप्ट इसकी सुनी तो इसकी स्क्रिप्ट ऐसी थी कि इसके सारे गाने बहुत ही सिचुएशनल बेस्ड थे, रोमांटिक ट्रैक भी था, एक शादी का गाना था जहाँ पे टीजिंग होती है, औरतें मर्दों को टीज करती हैं, वो फोक सॉन्ग था, देन फिर एक आइटम नंबर है जहाँ पे अक्षय खन्ना की एक्स गर्लफ्रेंड आती हैं, उसके लाइन्स हैं नई वाली जब धोखा देके जाएगी पुरानी गर्लफ्रेंड याद आएगी, सो फिर एक एक गाना था मूवी का जो तीनों एक्टर्स प्रियांक जो पद्मिनी कोल्हापुरी जी के बेटे हैं, रीवा किशन जो रवि जी की बेटी हैं रवि किशन जी की, और अक्षय खन्ना जी, तो ये तीनों आते हैं वहाँ पे, एक सिचुएशनल बेस्ड सॉन्ग है जहाँ उनका ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है अक्षय खन्ना जी का, तो सारे गाने बहुत ही डिफ़िकल्ट थे बनाने और बहुत ही अलग तरह के गाने थे, सो इंस्पायर यही किया कि मेरे को बस वर्सेटाइल काम करना है, सब अच्छा काम करना है। नितिन मनमोहन जी जो बहुत ही लेजेंडरी प्रोड्यूसर हैं, उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी, और समीर जी ने इतने खूबसूरत से गाने लिखे हैं, सारे गाने उन्होंने लिखे हैं, तो बहुत ही रेयर ऐसा होता है, अब देखने को मिलता है कि पूरी फिल्म एक कंपोज़र कर रहा है, एक लिरिसिस्ट लिख रहा है, सो मैं बहुत खुश हूँ कि ये चीज़ मैं कर पाया हूँ। ओके सर, ये मूवी में दोनों जो कलर जो ली है वो एक न्यू डेब्यू कर रहे हैं मूवी के अंदर, जी आपने जब भी देखा है जब मूवी जो डेब्यूटेंट स्टार आते हैं जी, तो जो राइटर्स और जो सिंगर्स थे उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है, करेक्ट करेक्ट, इसके ऊपर ये सॉन्ग फिल्माया जाएगा, करेक्ट, तो आपके ऊपर कितना प्रेशर था? प्रेशर तो बहुत था, क्योंकि मैंने ऐसे एक्टर्स पे भी बहुत सारे गाने दिए हैं, जैसे इमरान हाशमी से लेके रेखा जी से लेके बहुत सारे ऐसे लेजेंडरी एक्टर्स पे भी मेरे गाने आए हैं, बट ये भी एक अपने आप में चैलेंज होता है जब नए लोग डेब्यू कर रहे होते हैं। इस फिल्म में 4 लोग डेब्यू कर रहे हैं, करण सर जो इसके डायरेक्टर हैं फिल्म के, प्राची मनमोहन नितिन जी की डॉटर एज अ प्रोड्यूसर डेब्यू कर रही हैं, एंड प्रियांक रीवा एज एन एक्टर डेब्यू कर रहे हैं, सो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि म्यूज़िकली मूवी को बहुत सपोर्ट मिलना ज़रूरी होता है, सो जब आप ये मूवी देखेंगे तो आपको सारे गानों से आप ज़्यादा रिलेट हो पाएंगे, क्योंकि वो गाने बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस मूवी में, और हर जगह गानों को बहुत अच्छा सा यूज़ किया गया है, इवन बैकग्राउंड में भी बहुत अच्छा यूज़ किया गया है, फिल्म बनी बहुत बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यारी फिल्म बनी है, सो चैलेंज तो होता है, बट ये हमने बहुत मज़े से इस फिल्म पर काम किया है, करीब 5-6 महीने हमको उसका म्यूज़िक करने में लगा, और बहुत ही इत्मीनान से हमने म्यूज़िक बनाया है, फिल्म बनाई है, सब लोग ने बहुत अच्छे से दिल से काम किया इस फिल्म में। ओके, ये फिल्म में जैसे कि आपने कहा कि बहुत दिल से काम किया, इसके अलावा जो बस में है वो है कि आपने बप्पी लहरी और उषा अंतपा को लाया साथ में 37 इयर्स बाद, जी जी, तो कैसे आपके टॉप माइंड में आया कि हमें लाना चाहिए? ये तो मैं मतलब मैं जब लखनऊ में था तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन था बप्पी दा और उषा अंतप जी का, बहुत ही पसंद करता था उनका म्यूज़िक और सिंगिंग, सो जब ये गाना हमने कंपोज किया, सबसे लास्ट में हमने ये गाना बनाया था टाइटल सॉन्ग, और बप्पीदा जब जब ये गाना हमने कंपोज किया तो हुआ किसको गवाएंगे, तो सबसे पहले एक दिमाग में नाम आता है, जब एक ट्यून बनती है एक म्यूज़िक डायरेक्टर के दिमाग में एक नाम होता है, सो मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम आया बप्पी लहरी और दूसरा नाम आया उषा अंतप जी, कि इन दोनों को लेके आते हैं, इतने साल पहले इनके गाने आए थे और सब लोग इतना पसंद करते थे उनके गाने, फिर हमने बप्पीदा को अप्रोच किया, बप्पीदा के स्टूडियो गए, उनको गाना इतना प्यारा लगा, उन्होंने मतलब अपनी स्टाइल में बहुत तारीफ़ करी गाने की, एंड देन मैंने उनको बताया कि उषा अंतप जी भी गाने गाएंगी, सो वो बहुत ही मतलब चार्जअप हो गए, और उन्होंने तुरंत उषा जी को वहीं से कॉल किया, उन्होंने कहा उषा अब हम लोग साथ में गाना गाने वाले हैं, और वहीं पर फ़ोन से स्केल डिसाइड हुई, एंड देन रेस्ट इज़ हिस्ट्री, बिकॉज ये मतलब मेरे करियर में मैं बोलूँगा बहुत मेमोरेबल मोमेंट है इन दोनों को गवाना, सो बहुत ही दिल के करीब है कि इन दोनों वेटरन सिंगर्स को मैंने एक साथ लेके आया हूँ। आपके सॉन्ग में हमने ये ज़्यादातर हमेशा देखा है कि क्लासिक टच और एक रोमांटिक टच, और आज के दौर में जो मानना है लोगों का कि क्लासिक जो सॉन्ग्स पहले होते थे जो बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही सोलफुल रहते हैं वो आजकल नहीं देखा जाता है, ऐसा सिंगर आप क्या मानते हैं?
एज अ सिंगर मैं यही बोलता हूँ कि मतलब दोनों चीज़ें हो रही हैं, मतलब क्लासिक सॉन्ग्स आ भी रहे हैं, क्लासिक सॉन्ग्स नहीं भी आ रहे हैं, ज़्यादा रिमेक आ रहे हैं, ज़्यादा रिमिक्सेज आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी अच्छे गानों की कमी बहुत ज़्यादा हो गई, इसलिए पुराने गाने रिमिक्स किए जा रहे हैं। सो मैं इतना पसंद नहीं करता हूँ, मेरे को लगता है अच्छा म्यूज़िक आना चाहिए। जैसे एदिल है मुश्किल का बहुत अच्छा म्यूज़िक था, सारे नए गाने थे, सबने पसंद किए। सो नए गाने होने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मेरे गानों में खासकर जब मैं रोमांटिक बनाता हूँ तो फिर मैं रोमांस को सोच के बनाता हूँ। जब मैं सिचुएशनल सॉन्ग्स बनाता हूँ, इवन जब मैंने सुपर नानी करी थी इंदू जी की मूवी, उसमें जब मैं गया था तो मेरे को उन्होंने ब्रीफ दिया था, बेटा एक गाना रेखा जी का भजन है, एक जन्माष्टमी का गाना है, एक टाइटल सॉन्ग है नानी माँ। सो एकदम सिचुएशनल बेस्ड गाने थे, लेकिन ये सब चीज़ें आपको ग्रूम करती हैं एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर, एज अ सिंगर, आप एज अ म्यूजिशियन बहुत ग्रूम होते हो। और मेरे को वो प्रोजेक्ट करने में भी बहुत मज़ा आया, मेरे को लगा यार रेखा जी पे मेरा एक भजन आना चाहिए। मैंने बीवी हो तो ऐसे में देखा था रेखा जी को, और सांचा तेरा नाम उनका भजन था, तो एक गाना तो रेखा जी का होना चाहिए मेरे ऊपर। सो ये सब चीज़ें हैं, मतलब मैं वर्सेटैलिटी पे बहुत बिलीव करता हूँ। आप मेरी सिंगिंग में भी देखेंगे तो आपको अलग अलग वैरायटी मिलेगी, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने हाले दिल गाया तो वो रोमांस जोन में ही मैं चल रहा हूँ। एक टाइप बना लिया अपने आप को कि ये रोमांटिक गाने ही गाता है। इस फिल्म में मैंने दो गाने में रैप भी किया है, तीन गाने मैंने गाए इस फिल्म में। सो मतलब बहुत वैरायटी रखना मेरे को पसंद है अपने करियर में। यार जर्नी तो इतनी अजीब रही है, मैं बताऊँ तो मैं फिजियोथेरेपी कर रहा था, फिजियोथेरेपिस्ट था, वहाँ से छोड़ के मैं रियलिटी शो में आया। मेरा पहला रियलिटी शो था वॉइस ऑफ इंडिया, दूसरा था जो जीता वही सुपरस्टार, तीसरा था म्यूज़िक का महामुकाबला, और तीनों में मैं सेकंड आया था। उसके बाद पहला डेब्यू मेरा हुआ फराह खान जी की फिल्म से, उन्होंने मेरे को कॉल किया, विशाल शेखर जी का म्यूज़िक था, एज अ सिंगर डेब्यू किया मैंने, हैप्पी एंडिंग सॉन्ग था। फिर एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर मेरा पहला गाना था हाले दिल, जिसको मैंने गाया भी था। देन आफ्टर दैट फिर कई सारी मूवीज़ मैंने करी, हिट स्टोरी, वेलकम बैक, सुपर नानी, होटल मिलन, अभी ये मूवी आ रही है सकुशल मंगल, इसके बाद एक मूवी आने वाली है उतावले बावले, वो भी मैंने एज अ सोलो कंपोज़र किया है। तो मैं बहुत सेटिस्फाइड इंसान हूँ लाइफ में, मैं ये सोचता हूँ जितना मेरे को मिला है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको भी इतना भी नहीं मिलता है। तो अपनी लाइफ में सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। मैंने बहुत लोगों को यहाँ पे देखा है जो नहीं मिलता है उसके पीछे भागते रहते हैं, जो है उसमें खुश रहो और आगे और मिले उसके लिए मेहनत करो। सो आपका मेहनत सही अप्रोच में होना बहुत ज़रूरी है। हमने इतने सालों में मैंने अपने शोज़ बहुत कट डाउन किए, बिकॉज मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर इस्टेब्लिश होना था। मैंने अपनी टीम बनाई जिसमें रोहन मालोडे हमारे साथ है, मेरे को असिस्ट कर रहे हैं 7-8 ईयर्स से, और हम लोग ने बैंक ऑफ सॉन्ग्स बनाया, अपना स्टूडियो सेटअप किया। तो काफ़ी समय गया है मेरे को, मतलब अगर मैं बोलूँ तो 2007 में मेरा पहला रियलिटी शो आया था, अब 2020 आने वाला, मतलब 13 ईयर्स हो गए मेरे को इंडस्ट्री में। सो अभी तो मैं ये कहता हूँ बहुत स्टार्ट है मेरा, अभी आगे बहुत कुछ मेरे को करना है। एंड छोटे से करियर में मैं जब लखनऊ में था तो मैंने बहुत सारे, जैसे सोनू जी थे, तो मैं जब लखनऊ में था तो मैं हमेशा सोचता था जिस दिन सोनू जी से मिलूँगा इनके पैर धो के पीऊँगा। तो ये सब जब आप एक अपने होम टाउन में होते हो और आप किसी को आइडलाइज बहुत करते हो, इन लोगों को देखते हो ऐसा नाम बने, तो आपके माइंड में बहुत चीज़ें चलती हैं। आज उन्हीं लोगों को मैंने अपने गाने गवाए हैं, जैसे शान को मैंने गवाया, सोनू जी को गवाया, सुनिधि चौहान को गवाया, श्रेया जी को 4-5 गाने गवाए, बप्पी दा को गवाया, उषा जी को गवाया, और बहुत सारे नए रियलिटी शो के सिंगर्स, इस मूवी में भी भूमि त्रिवेदी ने 3 गाने गाए हैं, स्वरूप खान जो इंडियन आइडल से था उसको मैंने एक गाना गवाया है, एक लड़का है अक्षय करके जो एक शो आता था फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, उसको भी एक गाने में रैप करवाया है। सो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि नए लोगों को और लेजेंडरी जो सिंगर्स हैं सबको मैं जितना इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ अपने काम में, मैं वो हमेशा करने की कोशिश करता हूँ। ओके सर, आपको तो बहुत सारा प्यार मिला लोगों का और इतना अच्छा सफर गया, और एक बात क्या आप अपनी टीम को लेके चलते हैं जी, रोहन जी भी आप साथ में, रोहन जी आप अगर कुछ शेयर करना चाहिए या कोई सीक्रेट रिवील करना चाहिए आज। सीक्रेट तो सीक्रेट नहीं बोल सकता, लेकिन एक बात है कि हर्षित भाई सो मच टैलेंटेड पर्सन कि आप उनको कुछ भी एक सिचुएशन बता दो, विद इन 5 मिनट्स द सॉन्ग विल बी रेडी, एटलीस्ट द मुखड़ा, विच इज अ मैजिकल थिंग। लोगों को कितने 4-4 दिन लग जाते हैं वो बहुत, और इसके लिए मुझे काम करने का बहुत मज़ा आता है, एंड ही इज़ लाइक अ बिग ब्रदर टू मी ऑलवेज, एंड
नो इवन समीर जी जिनके थ्रू हमने किया है, इवन ही सो क्विक एंड इवन हर्षित भाई सो क्विक, तो इतना फटाफट और इतना सीखने मिलता है. सो यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी लकी टू बी एट दैट पॉइंट एट दैट स्टेज आई एम परफॉर्मिंग एज अ असिस्टेंट कंपोजर फॉर सच अ बिग मूवी. आई एम वेरी थैंकफुल. एंड रोहन ने काफ़ी सारी मूवी असिस्ट की है मेरे साथ, हेट स्टोरी, सुपर नानी, मेरे सारे एल्बम्स जो भी आने वाले हैं, सिंगल्स हैं, होटल मिलन, ये सब कुशल मंगल, उतावले बावले, एज ए प्रोग्रामर भी काम किया है. सो मतलब एक टीम अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है. और मेरा हमेशा से मानना है, मैं आई एम अ पर्सन जो बहुत इमोशनली अटैच रहता है सबसे, तो मेरी जो टीम रहती है उससे भी मैं बहुत इमोशनली अटैच रहता हूँ. बहुत कनेक्ट होकर काम करने में जो मज़ा है, जो पहले के ज़मानों में होता था, आप देखिए किसी के कोई असिस्टेंट होते थे, म्यूजिशियन होते थे, लंबे लंबे समय तक उन लोग के साथ ही होते थे, तो इसीलिए उनका काम बहुत अच्छा होता था, बिकॉज वाइब्स बहुत अच्छे होते थे. अभी जहाँ पे आज ये है, कल वो है, कल वो है, उसमें फिर वो जो पॉजिटिविटी होती है काम में, वो मज़ा नहीं आता. सो मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि आपकी टीम अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, और जो लोग आपके साथ हैं उनको कनेक्ट होना एक दूसरे से बहुत ज़रूरी है. सो वो मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ. लास्टली क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, आपकी मूवी आ रही है,